आते हैं अ चाइल्ड हैविंग द ट्रीटमेंट फॉर एम्प्लायोपिया सो ये वाला इमेज था क्या बोथ दिल्ड्रेन वर गिविन तो आप देख भी रहे हो दैट दे है आई तो अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता तभी आप देख के बता सकते हो कि दिस इज एक्चुअली ऑक्लूजन थेरेपी तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि वहां पर आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखना है हाय एवरीवन तो ऑक्लूजन है ऑक्लूजन हम कब करते हैं यू टू टू अदर आई सी हम क्यों करेंगे जब एम्लायोपिया होगा तो आई थिंक दिस अगेन वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स दैट व्हाट इज द मेन ट्रीटमेंट फॉर द एम्लायोपिया तो डू यू रिमेंबर द जहा पे नॉन पैरालिटिक अगर पैरालि नहीं है तब भी स्क्विंट हो सकता है तो नॉन पैरालिटिक स्क्विंट का जो मेन कॉज होता है वो होता है एम्लायोपिया राइट वट इज एम्लायोपिया एम्लायोपिया मतलब लेजियाई अगर पैरालिसिस नहीं है तब भी तब भी अगर स्क्विंट हो रहा है तो इसका मतलब द आई गॉन इन टू और इन टू एमला एंड उसके लिए जो हम मेन ट्रीटमेंट देते हैं दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज ऑक्लूजन थेरेपी राइट सो दिस इज द मेन ट्रीटमेंट फॉर नॉन पैरालिटिक वॉट इज द अदर नेम ऑफ नॉन पैरालिटिक कौन बताएगा इट इज द कॉमिटेंट स्क्विंट द अदर नेम ऑफ दिस स्क्ट इज द कॉमिटेंट स्क्विंट सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक आई टोल्ड यू इन द क्लासेज ऑल्सो की दिस इज द मेन ट्रीटमेंट एक्जैक्टली लेजी आई कह सकते हैं या फिर एमलायोपिया भी कह सकते हैं आई टोल्ड यू क्योंकि इसका जो मेन कॉज है वो ही एम्लायोपिया होता है इसीलिए जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो भी ऑक्लूजन थेरेपी होता है और अगर फुल ट्रीटमेंट पूछते हैं इफ दे आर आस्किंग द फुल ट्रीटमेंट देन व्हाट वॉज दर्डर सी ओ वन देन ओ टू देन एस एंड पी ठीक है ना जैसे लेटेंट क्विंट का कॉप्स पढ़ते हैं हम लोग सी ओ पी एस है ना रिमेम्बर कॉप्स इसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा सी सी मतलब वी आर हैविंग द करेक्शन ऑफ द रिफ्रेक्टिव एरर सबसे पहले हमें क्या करना है करेक्शन ऑफ रिफ्रेक्टिव एरर करना है और ओ वन में हमें करनी है ऑक्लूजन थेरेपी सो आई टोल्ड यू कि ओ वन एंड ओ टू का मैंने इसीलिए नंबरिंग भी फिक्स कर दी है बिकॉज यू कैन नॉट एक्चुअली रिप्लेस एक्सचेंज नहीं कर सकते फर्स्ट यू हैव टू गिव ऑक्लूजन थेरेपी एंड देन यू हैव टू गिव दर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस पहले ऑक्लूजन थेरेपी देनी है फिर ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस करनी है फिर हम सर्जरी करेंगे एंड फाइनली द प्रिज्म फाइनली द प्रिज्म

and what, what is the main treatment for the mlyopia this was asked so if there is anything more please let me know this was the question number five